अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे आप। जो है ना, हमारे पास मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब 6 का टाइम है और मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बादल आए हुए हैं, बारिश का तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आती है या नहीं, लेकिन बादल तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अपने बेटे को होमवर्क करवाने के बाद अब जो कारी आए हुए थे वो उसके पास कुरान पढ़ने गए हुए हैं, तो मैं अब कुकिंग करने जा रही थी तो सोचा आपको मौसम दिखा दूँ कि कितना प्यारा बना हुआ है। शाम के लिए मैं सोच रही थी कि बिरयानी बना लेती हूँ, थोड़ा कम टाइम लगेगा। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है अब तो। दुआ करते हैं बारिश आ जाए, बिकॉज़ मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा जी, मैं अब किचन में जाती हूँ, कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ हो सकता है अगर बारिश आ जाए तो फिर बाद में मसला बन जाता है, कुकिंग भी करनी हो और फिर बारिश हो। तो जब बादल वगैरह बने हुए होते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुकिंग का टाइम जो है ना, जो कुकिंग का वो होता है काम, जल्दी फिनिश कर लिया करूँ। सबसे पहले मैं मसाले बना लेती हूँ, मीन्स की टमाटर वगैरह हर चीज़ काट लेती हूँ। हमारी दुआ लगता है कबूल हो गई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। हमारे पास बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा आई है, हमारे सहन में जो है ना सारा पानी पानी नज़र आ रहा है, देखिए। मैंने चावल बना लिए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बाहर बारिश बहुत तेज़ थी, इस दौरान मैंने किचन में जो है ना चावल वगैरह बना लिए। दही नहीं पड़ी थी तो इसलिए मैंने जो है ना टमाटर की चटनी बना ली, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत मज़े की होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।